सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कारतूस एकांकी को यहां पढ़ें। कारतूस एकांकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और बाद में उन्होंने यहां पर हुकूमत कर ली और भारतीय राज्यों को अपने अंदर ले लिया, जिससे भारत के राजाओं में एक नफरत की भावना उत्पन्न हुई। वो अंग्रेजों को भारत से देश निकाला बुलाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने संघर्ष की। इस पाठ में कारतूस एकांकी में उसी दृष्टांत को दर्शाया गया है। प्रतूष पाठ में एक ऐसे जाबाज कारनाम का वर्णन है जो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए उनके नाक में दम कर। विद्यार्थी, पाठ में जो पात्र है वह जो है चार पात्र हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सब, क्योंकि और इस एकांकी का जो मंचन का जो अवधि है वह 5 मिनट है। जमाना जो है 1799 का है, अर्थात उसकी जो वेशभूषा होगी उस समय की होगी जब रंगमंच खेला जाएगा या नाटक खेला जाएगा। समय जो है रात्रि का है। स्थान गोरखपुर के जंगल में खेमा डाली। ये पहला दृश्य हम देखते हैं विद्यार्थी कि अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा। अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा जो है गोरखपुर के जंगलों में डाला गया है और कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी कितनी खतरनाक है, कितने दिन हुए यहां डेरा डाले, परंतु वह अजीर वाली है कि वह पकड़ने ही नहीं आता है, सिपाही सभी नग्न रह जाते हैं। तब लेफ्टिनेंट कहता है हफ्तों तो हो गए डेरा डाले, सिपाही भी तंग हो गए हैं, वजीर अली आदमी है या भूत, पकड़ने ही नहीं आता है, वो कितना जाबाज है, कितना बहादुर है कि हमारे इतनी लाव लश्कर होते हुए भी हम एक आदमी को पकड़ नहीं सकते हैं जो कि इसी जंगलों में वह छिपा हुआ। तो कर्नल कहता है कि वजीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाए, वह बहुत ही बहादुर है, रॉबिन हुड की याद आ जाती है। उसने कुल 5 महीने ही हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में अवध के दरबार से अंग्रेजी असर को बिल्कुल पार कर देने में वह कामयाब हो गया था कि वजीर अली 5 महीने ही अवध के तख्त बैठा था, वहां से उसको अंग्रेजों को उन्होंने भगाने में कामयाब हो गया, परंतु तभी वह बदला। तभी लेफ्टिनेंट वह पूछता है ये शहादत अली कौन, ये शहादत अली कौन है। तो कर्नल कहता है कि शहादत अली जो है अवध का नवाब आसिफ दौला, अवध के जो पहले नवाब थे उनका नाम था आसिफ दौला, उनका छोटा भाई शहादत अली, आसिफ दौला का छोटा भाई शहादत अली। आसिफ दौला अवध का नवाब होता है, दोनों भाई साथ में रहते हैं। आसिफ दौला को कोई भी पुत्र नहीं था, आसिफ दौला के कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए शहादत अली यह चाहता था कि भाई के बाद अवध का जो राजा बनेगा वो शहादत अली। पर धरती उम्र के बाद आसिफ दौला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम वजीर अली रखा गया। वजीर अली के जन्म पर शहादत अली उसको अपना दुश्मन माना, क्यों, क्योंकि अब आसिफ दौला के बाद अवध का नवाब जो है वजीर अली ही बनेगा, अर्थात अब शहादत अली जो अवध का नवाब नहीं बन सकता। इसलिए शहादत अली ने अंग्रेज कर्नल से दोस्ती कर ली और दोस्ती करके उसे लालच दिया अगर आप मुझे
अवध का नवाब बनाते हैं तो मैं आपकी कुछ सेवा करूं। और वो भी ऐसे पसंद आदमी थे। कर्नल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। वजीर अली को अवध से निकालकर शहादत अली को वहां के तख्त पर बैठा है। बदले में कर्नल ने उसे उसकी आधी जायदाद और 10 रुपए नगद ले लिए और वजीर अली को वहां से निकालकर बनारस भेज दिया गया। उसे कहा कि आप बनारस की जो राज जिला है वहां जाकर उसका कारभार संभालो। अब शहादत अली भी मौज कर रहा है और मैं भी मौज कर रहा हूं। इस घटना को कर्नल जो है वह इसको लेफ्टिनेंट को बताता है। तो पहले वीडियो में हमने देखा विद्यार्थी कि जंगल की जिंदगी से तंग आकर कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी इतनी खतरनाक है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि हम तो हो गए, हमने जंगल में डेरा डाले, परंतु वजीर अली है, भूत है, यह आदमी हाथ ही नहीं लगता है। कर्नल उससे कहता है, कर्नल कि उसकी याद, उसके कारनामों को याद करके हमें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। लेफ्टिनेंट शहादत अली के बारे में पूछता है कि शहादत अली कौन है, तो कर्नल कहता है कि शहादत अली आसिफ दौला का भाई है, वजीर अली का चाचा है। मैंने ही शहादत अली को अवध का नवाब बनाया था, उसके बदले में मैंने 10 लाख रुपए और आधी जायदाद ली थी। अब वो भी ऐश कर रहा है और मैं भी आरामदायक जिंदगी जी रहा हूं। तो पहली घटना में कर्नल और लेफ्टिनेंट के बातों को आपने जाना। अब इसके आगे की घटना को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।